बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी ने बीजेपी पार्टी को बड़ी राहत दी है। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से नामांकन वापस लिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने वापस लिया नाम। मनोज रांगे पाटिल ने भी उम्मीदवारी से लिया नाम वापस। कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। राज ठाकरे के बेटे के लिए शिवसेना के सदा सरवणकर को महायुति का बड़ा ऑफर। कहा, नामांकन वापस ले तो विधान परिषद और मंत्री से सम्मानित करेंगे। महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला का चुनाव आयोग ने किया तबादला। तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए आदेश। विपक्षी पार्टियों ने की थी हटाने की मांग। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। नवी मुंबई चीफ अनिल कौशिक बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिंदे के पहुंचने से पहले मंच पर भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एकनाथ शिंदे एनडीए नेताओं के निशाने पर। लाडली बहन योजना इतनी सुपरहिट हो गई है कि विपक्षों की हवा टाइट हो गई है। विपक्ष इतना डरा हुआ है कि उनके पैरों से जमीन खिसक गई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने एनडीए पर साधा निशाना। मुंबई से छठ पूजा के लिए गांव जाने वाले यात्रियों के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लंबी लाइन। ट्रेन का टिकट हासिल करना काफी मुश्किल। कई लोग खड़े होकर यात्रा करने पर मजबूर। अगर सीएम योगी की मौत बाबा सिद्दीकी जैसी हुई तो दुनिया का हाल इसराइल और हमास जैसा होगा। योगी को मारने की धमकी देने वाले मैसेज पर योगी समर्थक का आया पलटवार। मुंबई पुलिस को किया मैसेज। संजय राउत के भाई ने किया महिलाओं का अपमान। शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार को कहा बकरी। चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के डीजीपी का तबादला। महाराष्ट्र के डीजीपी का तबादला करने के आदेश पर विपक्षी दलों ने दिया था दबाव। संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हम कितने भी लड़ेंगे ये मायने नहीं रखता। शाम तक होगा फाइनल नाम। मुंबई पर भी चढ़ेगा छठ पूजा का रंग। जुहू चौपाटी पर विशेष तैयारियां शुरू। आयोजकों ने पर्व के लिए आवेदन दिया। जल्द ही मुंबई महानगर पालिका से मिलेगी मंजूरी। नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर लगाए संगीन आरोप। कहा, मातृश्री पर जितने भी पहुंचे बैग लेकर उन सभी को मिला विधानसभा का टिकट। थाने में 400 किलो गौमांस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। चार अन्य आरोपी फरार। आईएनएस विक्रांत फंड दुरुपयोग मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को मुंबई पुलिस ने दी क्लीन चिट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। पीडीपी ने धारा 370 की वापसी पर प्रस्ताव मंजूर करने की मांग की। पुणे में खाना बनाने पर हुआ विवाद। दोस्त ने सोते समय रॉड से पीट पीट कर मार डाला। सीसीटीवी कैमरे में खौफनाक मंजर रिकॉर्ड। आज सोने के दामों में तेजी। सोना हुआ 74,750, वहीं चांदी पहुंचा 95,460। कांग्रेस के मुख्तार शेख बागी नेता ने नामांकन लिया वापस। एनडीए के उम्मीदवार रविंद्र धानकर का करेंगे समर्थन।